नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है किशोर। आप लाइव मेरे चैनल पे यानी किशोर कुमार बैनर्जी पे। नॉर्मली आप मुझे मेरे रूम में देखते हो, मैं वीडियोस करता हूँ आपके लिए, मगर आज आप एक दूसरे सेटअप में देख पा रहे हो। मैं अपने छत में हूँ और सोचा कि थोड़ा नेचुरल हवा ले लूँ, इसीलिए वीडियोस कर रहा हूँ यहाँ से। तो आज का जो वीडियो है वो ज़्यादातर मेरे जो दोस्त और सब्सक्राइबर लोग हैं उन्होंने रिसेंटली पूछा है कि ये जो जॉब पोर्टल्स है नौकरी शाइन, ये फेक है या जेन्यून है। तो इसी पे वीडियो बना रहा हूँ, तो देखते रहिए। और ये कहूँगा कि जो व्यूअर्स पहली बार चैनल में आए हैं और पहली बार मेरा वीडियोस देख रहे हैं, वो सब्सक्राइब कर ले चैनल को और बेल आइकन को दबाना ना भूले, ताकि आपको अपडेट्स मिलते रहे मेरे नेक्स्ट वीडियोस की। तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना। तो जैसा कि आप सबको पता है कि Naukri.com जो होता है वो एक जॉब पोर्टल होता है और जॉब का वेबसाइट है, और वहाँ पे साइन अप करने के दो प्रोसीड्यूर होते हैं। आप कंपनी के थ्रू, आप कंपनी होके रिप्रेजेंट करके आप वहाँ साइन अप कर सकते हो, आप वहाँ जॉब पोस्ट करोगे फिर। और अगर आप कैंडिडेट हो मेरी तरह, तो आप एक कैंडिडेट की तरह साइन अप करोगे और जॉब एड्स देखोगे और उनमें अप्लाई करोगे। तो वहाँ पे क्या होता है कि Naukri.com जो है, अगर आप कहो कि वो फेक है या जेन्युइन है, तो मैं कहूँगा वो ऑब्वियसली जेन्युइन है। मगर ऐसा होता है कि जो कंपनीज़ वहाँ साइन अप करती है, तो एक रेगुलर प्रोसीड्यूर होना चाहिए मेरे हिसाब से कि वो जाके डायरेक्टली कंपनी के लोकेशन में वेरीफाई करे, जो वो करते नहीं है। इसी कारण से जो फेक कंसल्टेंसीज और कंपनीज़ है वो लोग अपना जॉब पोस्ट यहाँ करते हैं, जॉब एड्स जो आप देख पाते हो, तो वहाँ हमें ज़्यादातर ही फेक जॉब्स देखने को मिलती है। इसीलिए वो कमेंट्स आते हैं या फिर वो रिव्यूज़ आते हैं कि क्या नौकरी फेक है या जेन्युइन। पर ऐसा है कि नौकरी ऐसे जेन्युइन वेबसाइट है, मगर वहाँ पे फेक कंपनीज अपना जॉब पोस्ट, जो फेक जॉब पोस्ट है वो कर रही है। तो अब आप देख पाओगे वीडियो में आगे कि कैसे हम समझ पाए कि कौन सा जो जॉब एड है वो फेक है कि जेन्युइन है, वो मैं आपको आगे वीडियो में दिखाऊंगा कि किस तरीके से हम डिसाइड करते हैं या रिसर्च करते हैं कि एक फेक जॉब है और एक जेन्युइन जॉब है, तो उसे हम कैसे जस्टिफाई कर सकते हैं या फिर जान सकते हैं या फिर रिसर्च कर सकते हैं, वो मैं आपको दिखाऊंगा आगे वीडियो में। मैं आपको अपने लैपटॉप में लेके जाऊंगा और वो दिखाऊंगा कि किस तरीके से आप समझ पाओगे कि ये जॉब जेन्युइन है, सच्ची है, और ये जॉब फेक है, झूठा है। तो आगे चलते हैं वीडियो में। तो दोस्तों, अब आप आ चुके हो मेरे लैपटॉप में, मैंने अपने लैपटॉप का स्क्रीन शेयर कर दिया है। तो अभी हम बात करने वाले हैं सबसे पहले कि किस तरीके के जॉब्स आप पहले सर्च करते हो नौकरी में, फिर हम धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे और बात करेंगे कि फेक जॉब्स और जेन्युइन जॉब्स आप कैसे सर्च कर सकते हो यहाँ। तो पहले मैं बात कर लेता हूँ कि किस तरीके के जॉब्स होते हैं, जैसे कि आपको पता है। और ये जो मैं बताने वाला हूँ ये पूरा फ्रेश ग्रेजुएट्स जो है ग्रेजुएट बेसिस पे है, और हाँ 11th 12th पास भी जो लोग हैं वो लोग भी देख सकते हो इसे। तो ग्रेजुएट्स के लिए बेसिकली ज़्यादा लाजमी है ये वीडियो। तो गवर्नमेंट जॉब्स में की अगर मैं बात करूँ, दो तरीके के जॉब जैसे आपको पता है, प्राइवेट और गवर्नमेंट। गवर्नमेंट जॉब्स की बात करूँ तो गवर्नमेंट जॉब्स में आपको न्यूज़पेपर्स में मिलेंगे, जो कर्म संस्थान इस तरीके के जॉब न्यूज़पेपर्स होते हैं वहाँ आपको उनके एड्स मिलेंगे। और ये जो प्राइवेट जॉब वेबसाइट्स होते हैं, इनमें ज़्यादातर ही प्राइवेट जॉब्स रहते हैं। तो सबसे पहले मैं बताना चाहता हूँ कि प्राइवेट जॉब्स किस तरीके के होते हैं। तो यहाँ जैसे मैंने कुछ लिस्ट किया है, कुछ है नहीं, अगर नहीं है तो कमेंट कीजिएगा, आप बताइएगा। यहाँ जैसे कि मैंने लिस्ट किया है कि सबसे पहले मैं कॉरपोरेट लेवल की बात करता हूँ, और इसमें ज़्यादातर ही MBAs प्रेफर्ड रहते हैं, मगर फ्रेश ग्रेजुएट्स भी अप्लाई कर सकते हैं। तो यहाँ तीन कैटेगरी के रहते हैं, जैसे आपको पता है HR रहता है, मार्केटिंग के साथ सेल्स भी रहता है, सेल्स के जॉब थोड़ा ज़्यादा मिलता है, फिनांस और अकाउंटेंसी एक ही चीज़ है, फिनांस के जॉब्स भी मिलते हैं। अब मैं जाता हूँ एजुकेशनल में आपको टीचिंग मिल सकता है, टीचिंग में मोस्टली BEd लेते हैं, मगर फ्रेश ग्रेजुएट्स भी अप्लाई कर सकते हैं। एडमिनिस्ट्रेटिव लेवल का काम रहता है, उसमें भी ग्रेजुएट्स अप्लाई कर सकते हैं, और ऑपरेशंस और क्लरिकल जो है उसमें भी अप्लाई कर सकते हैं। इसके अलावा अगर कहूँ तो हॉस्पिटैलिटी, जो कि होटल्स वगैरह, टूरिज्म को भी मैं पकड़ लेता हूँ इसमें, एविएशन सेक्टर, एयरलाइन के जॉब्स। और एयरलाइन के जॉब्स में बेसिकली आपको, जैसे कि मैंने एक प्रीवियस वीडियो में बताया है कि ज़्यादा अच्छा है कि, और जेन्युइन भी है कि करियर उनके करियर पोर्टल में जाके अप्लाई करें, नौकरी के थ्रू नहीं, क्योंकि वहाँ आपको ज़्यादातर ही कंसल्टेंसी मिलेंगे जो आपसे ट्रेनिंग फीस मांगेंगे, और वो सब पूरा गलत है। बैंकिंग के जॉब्स है, बैंकिंग में आपको ज़्यादातर ही सेल्स के जॉब्स मिलेंगे, और इंजीनियरिंग और टेक्निकल जॉब्स रहते हैं। इंजीनियरिंग में डायरेक्टली इंजीनियरिंग डिग्री
बेसिस के जॉब्स और टेक्निकल जॉब्स में आईटीआई रिलेटेड भी रहता है। 12th पास करने के बाद जो लोग आईटीआई कर लेते हैं उनका उन लोग के जॉब्स भी दिए रहते हैं। तो अब बताने वाला हूँ कि नौकरी में जा किस तरीके से आपको जॉब सर्च करना है। तो ये इसे छोड़ के भी बहुत तरीके के और तरीके के जॉब्स होते हैं, मैंने लिखा नहीं है और ये डिस्कस करता रहूँगा तो वीडियो चलता रहेगा लंबा। तो चलिए दोस्तों अब आपको लेके जाते हैं Naukri.com में डायरेक्टली। नौकरी जैसा कि हमने लिखा हुआ है, बस एंटर मारना है। तो यहाँ सर्च करना है हमें सबसे पहले। तो यहाँ सर्च जॉब्स का ऑप्शन आ रहा है और पकड़ लीजिए मैं एचआर जॉब्स ही सबसे पहले सर्च करता हूँ जो मैंने दिखाया था। और लोकेलिटी पकड़ लीजिए, वो आपका एरिया देंगे, मैं कलकत्ता दे रहा हूँ। एक्सपीरियंस एकदम जीरो लेवल, तो ग्रेजुएट्स लेवल दिखाते हैं, कभी कभार 12 क्लास 12 भी रहता है। सैलरी मैं अभी नहीं दे रहा क्योंकि अगर आप सैलरी नहीं देते हो तो हर तरीके का रेंज आपको दिखाया जाता है। तो मैंने सर्च मारा, पकड़ लीजिए। सर्च मारने पर सबसे पहले निकला है यूनाइटेड कैपिटल क्लब, जो मार्केटिंग एग्जीक्यूटिव पार्ट टाइम फुल टाइम ये सब मिल रहा है। आप कैसे सर्च करोगे? तो यहाँ आपने क्लिक मारा, आपने कॉपी किया कंपनी का नाम और यहाँ पेस्ट किया। तो यहाँ जैसा कि आप देख पा रहे हो, यहाँ पे आपको एल्गिन रोड कोलकाता में उनका ऑफिस वो लोग दिखा रहे हैं। तो आप लोग डायरेक्टली नंबर भी दिया हुआ है, आप लोग डायरेक्ट कॉल करके भी बात कर सकते हो, रिव्यूज देख सकते हो और CV अपना सबमिट कर सकते हो। जॉब जेन्युइन लग रहा है, मगर ये बात है कि मार्केटिंग एग्जीक्यूटिव का जॉब है पार्ट टाइम और फुल टाइम, और एचआर एग्जीक्यूटिव का जॉब दिया हुआ है। आप नीचे डिटेल्स भी दिया हुआ है, उस तरीके से आप देख लो। यहाँ पे देखिए एजुकेशन जो क्राइटेरिया है, बीटेक, ये सारा चीज़ क्या क्या चाहिए उनको, वो दिया हुआ है। इस तरीके से एक तरीका है ये जिससे आप जेन्युइन वाला खोज सकते हो। वैसे ही आप अगर कोई भी जॉब सेक्टर में, अगर आप सोचो डिजिटल मार्केटिंग खोज रहे हो, डिजिटल मार्केटिंग अगर कोलकाता में ही खोज रहे हो पकड़ लो, तो डिजिटल मार्केटिंग में देखिए, अब देखिए यहाँ पे दिया हुआ है फ्रीलांसर अफजल अहमद इस तरीके का, मगर ये कोई कंपनी नहीं है अगर देखा जाए तो। ये आपको समझ बूझ के करना है, यहाँ लिखा ही हुआ है मुंबई सबर्ब्स कोलकाता ऐसे लिखा हुआ है। ऐसे आप फ्रीलांसर इस तरीके के खोजोगे तो डायरेक्टली वो कंपनी आपको दिखाएगा नहीं, मगर नौकरी में जॉब पोस्ट कर सकते हैं वो लोग, लिंक्डइन में भी बना के रखा है। तो इस तरीके से वो खुद एक फ्रीलांसर है, वो साथ में काम करते होंगे, मगर इसमें आपको समझ के जाना है। तो इस तरीके का है। और अगर पकड़ लीजिए ज़्यादातर ये कुछ मेरे सब्सक्राइबर्स और दोस्त कहते हैं कि टाइपिंग जॉब्स खोजने के लिए, तो अगर मैं टाइपिंग जॉब्स बोलूँ जो डेटा एंट्री नॉर्मली कहते हैं, ये देखिए डेटा एंट्री पहले ही खोला तो डेटा एंट्री आ चुका है। डेटा एंट्री वर्क फ्रॉम होम टाइपिंग जॉब्स ऑनलाइन पेस्ट टेलीकॉलर जॉब ये सारा कह रहे, नाम दिया हुआ है यहाँ कैरियर फ्लिक्स। तो यहाँ हमने क्लिक मारा और दिया, तो देखिए यहाँ पे कोई जॉब लोकेशन या फिर कहाँ है ये दिया हुआ नहीं है, मगर उनका वेबसाइट आप खोल सकते हो। वेबसाइट खोलने के बाद आपको मिलेगा कॉन्टेक्ट अस का ऑप्शन, आप कॉन्टेक्ट अस खोल के देख सकते हो। कह रहे हैं कि कोलकाता में जॉब मिलेगा आपको, यहाँ दिया हुआ है कोलकाता, गुड़गांव, विशाखापट्टनम, मगर यहाँ पे कोई ऑफिस यहाँ जैसे कि आप देख पा रहे हो दिया हुआ नहीं है। यहाँ दिया हुआ है मुंबई का एक ऑफिस, तो बहुत ही सतर्क होकर बहुत ही समझ के आपको करना है। तो मैं किसी कंपनी को यहाँ पे डायरेक्टली टारगेट भी नहीं कर रहा, मैं बस बता रहा हूँ कि किस तरीके से आप जेन्युइन जॉब और फेक जॉब सर्च करते हो। तो यहाँ मैं इसको थोड़ा उसी क्राइटेरिया में रखूँगा कि चांसेस कम है, जेन्युइन नहीं लग रहा मुझे। तो इस तरीके से आप जॉब्स खोजोगे डायरेक्टली आप जाके, जैसे कि पकड़ लीजिए और भी कुछ कहूँ तो आप पकड़ लीजिए मार्केटिंग के ऊपर अगर जॉब्स खोजो यहाँ कोलकाता में, डायरेक्टली जो जेन्युइन जॉब्स आपको मिलेंगे ये देखिए, कड़ीवाला इंडस्ट्रीज लिमिटेड, मार्केटिंग इंटर्न ले रहे हैं वो लोग, ठीक है। तो इसको अगर आप सर्च करते हो, इसको अगर आप सर्च करते हो, ये देखिए आपको मिल गया है यहाँ कड़ीवाला क्रिएशंस लिमिटेड, कड़ीवाला इंडस्ट्रीज लिमिटेड। तो जॉब सबको डायरेक्टली कंपनी देखने को मिलता है कहाँ है, और यहाँ आप CV दे सकते हो, बात करते कर सकते हो उनसे डायरेक्टली फ़ोन करके। आपको फ़ोन कहाँ मिलेगा, आपको वेबसाइट में मिल जाएगा डायरेक्टली, तो वहाँ से आप सर्च कर सकते हो और वहाँ से बात कर सकते हो। कॉन्टेक्ट अस में आपको ऑब्वियसली कॉन्टेक्ट अस में मिलेगा वो। तो आगे मैं आपको बताने वाला हूँ इसके बाद, ये तो है कि इससे हुआ कि फेक जॉब और जेन्युइन जॉब आप कैसे नौकरी में सर्च कर सकते हो। इसके बाद आपको देखना है कि कंपनी तो आपने सर्च कर लिया, मगर वो कंपनी अच्छा है नहीं है वो रिव्यूज़ आप कैसे जान पाओगे,
किस किस क्राइटेरिया और कहाँ कहाँ आप जान सकते हो, इसके बारे में मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको बताऊंगा। नेक्स्ट जो वीडियो इस सीरीज में न्यूज में मैं बताता हूँ, नॉर्मली तीन तरीके के वीडियोज आते हैं जैसे आपको पता है, न्यूज, ट्रैवल वीडियोज और ड्रामास। न्यूज सेक्शन में जो नेक्स्ट वीडियो आने वाला है वो उसी पे रहेगा, तो आप जरूर देखिए वो वीडियो। और यहाँ मैं इस चीज को यहीं पे खत्म कर रहा हूँ, होप आपको समझ आ चुका है। नौकरी में हम इस तरीके से ही सर्च करते हैं। अगर आपका डाउट रहे, ऑब्वियसली मेरा मेल आईडी मैंने दे दिया है, फिर से मैं यहाँ दे दे रहा हूँ, ये दे नीचे देख लीजिए, यहाँ पे मेरा मेल आईडी, आप मेरे से डायरेक्टली बात करके पूछ सकते हो। कोई भी आपका डाउट है, कन्फ्यूजन है, आप मेरे को मेल करके पूछ सकते हो। तो इस तरीके से ही हम खोजते हैं नौकरी में जॉब्स। तो होप दोस्तों इस वीडियो से आपको हेल्प मिली है। अगर होप आप ठीक तरीके से, आप जेन्यून तरीके से आप जॉब सर्च कर पाओ इन जॉब पोर्टल्स में, आराम से Naukri.com में जाके आप सर्च कर पाओगे और रिसर्च करके निकाल पाओगे कि कौन सा जॉब फेक लग रहा है आपको, कौन सा जॉब जेन्यून लग रहा है। अगर आपको फिर भी दुविधा है, कन्फ्यूजन है, डाउट है, आप मेल कर सकते हो। मेरा मेल आईडी यहाँ ये रहा, आप ज़रूर मेल करो मुझे। और वीडियो हेल्पफुल लगा तो लाइक कीजिए वीडियो को, शेयर कीजिए अपने जान पहचान के लोगों को ताकि वो लोग भी अपडेट रहे इन सब चीज़ों में। और सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल को और बेल आइकन को दबाना मत भूलिएगा ताकि आपको अपडेट्स मिले मेरे नेक्स्ट वीडियो की। मैं ऐसे वीडियोस लाऊंगा, धीरे धीरे और लाने वाला हूँ कि जॉब रिलेटेड जो रहता है, हम बहुत ज़्यादा कंसर्न रहते हैं इस चीज़ को लेकर। तो जॉब के किसी भी रिलेटेड इश्यूज़ को लेकर मैं वीडियोज़ लाने वाला हूँ, तो सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन को दबा लेना ताकि आपको अपडेट्स मिले। और आज के लिए किशोर की तरफ से अलविदा।